हेलो नमस्ते, मैं हूँ संस्कृति जैन और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। जी हाँ, आज है 25 दिसंबर यानी मैरी क्रिसमस का दिन, और आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी कि ईसा मसीह का आज ही जन्म हुआ था। और इसकी तैयारियों के संदर्भ में आज यहाँ पर लोगों ने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन की है, और ऐसी तैयारियाँ जो केक बनाया है, कपड़े खरीदे हैं, घर की साफ़ सफाई की, घर को सजाया है, क्रिसमस ट्री लगाया है। तो चलिए मैरी क्रिसमस के बारे में इनसे और भी चीज़ें जाने। हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी कानून। 25 दिसंबर पूरी दुनिया के लिए हर्षोल्लास, आनंद, खुशी और सुसमाचार लेके आता है, क्योंकि उस दिन की जो मान्यता है सारी सृष्टि में अलग अलग धर्मों में अलग अलग अवतार हुए हैं, और मसीह समाज के लिए यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में हमारे पापों की क्षमा करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए इस सृष्टि में जो उसने बनाई, उस सृष्टि के त्रैक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में वो संसार के मनुष्यों से, पापियों से, बीमारों से, लाचारों से प्रेम करने के लिए प्रकट हुआ। हम धन्यवाद करते हैं सनातन परमेश्वर का, जिसने ये कायनात सारी सृष्टि आप और मेरे लिए बनाई है और एक ही संदेश दिया है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, यही मानवता है। मानवीय तौर पे अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में, गौशाला में हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर कितना नम्र और दीन और अनुग्रहकारी है। वो इसलिए चरनी में जन्म लेता है क्योंकि वो हमें धनवान बनाना चाहता है। उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं, उसको बर्छी से छेदा जाता है, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज होता है। ये प्रतीक है हमारे लिए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, इसके दुख उठाने से हम सुखी प्राप्त होते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेके आए, और 25 दिसंबर के रूप में पूरी दुनिया उनका जन्मदिन मनाती है। आइए हम भी संकल्प लें और एक दूसरे से गैरों की तरह नहीं, अपनों की तरह प्रेम करें। धर्म, जाति, समाज अलग है, परंतु भाईचारा, प्रेम, सौहार्दता, मेल मिलाप और आशा और विश्वास ये मनुष्य का उत्थान करती है, उसको आगे बढ़ाती है, सुविचार देती है, हम सबको एक आगे का अच्छा मार्ग दिखाती है। मैं आप सबका नमन करता हूँ, शहरवासियों का, जिलेवासियों का, कि आप भी भाईचारा और प्रेम से इस अवसर को पुनीत जानकर हमारे साथ क्रिसमस मनाएं। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस सुदेश सिंह है, और ये क्रिसमस का पर्व जो है हमारे लिए ये सबको ये संदेश देता है कि हम प्रभु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने जीवन में उनके शिक्षाओं को ग्रहण करके हमेशा अपने उनके आदर्शों का पालन करें। तो मैम क्या खास तैयारी की? आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, बहुत तैयारी की हमने सामग्री के लिए। कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं आप बताएं। हमारी फैमिली बहुत एक्साइटेड है, आज जो बड़ा दिन है 25 दिसंबर, इसलिए हम सबको बधाई देते हैं 25 दिसंबर की, आज यीशु मसीह का जन्म हुआ है, बहुत एक्साइटेड हम लोग। तो मैम हमारी तरफ से एक खास ऑफर है, संजू का ढाबा क्रिसमस डे ऑफर, जिसमें संजू का ढाबा हमें दे रहा है 25% डिस्काउंट। एक विनर फैमिली को जो वहां जाएगी तो उसे मिलेगा 25% का डिस्काउंट। एक कार्ड वाउचर हमारे पास है, तो इसको आपको जीतने के लिए मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो आज जो बड़ा दिन है उसके पीछे क्यों से बड़ा दिन क्यों कहा जाता है, आप बताना चाहेंगे? कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जबकि वो हमारे जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो हमारे लिए बहुत बड़े महान है, इसलिए हम उनको बड़े दिन के नाम से, उसके जन्मदिवस को बड़े दिन के नाम से पुकारते हैं। सर आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जो बेहतर जवाब देगा ये वाउचर मैं उसको दूंगा, क्योंकि पहले तो करमरकर परिवार की ओर से सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोगों के लिए काफ़ी खास त्यौहार है, साल में हमारा सबसे बड़ा ये त्यौहार है। और जहाँ तक कि बड़े दिन की बात है, तो आज से बड़े दिन भी चालू हो जाते हैं, इसलिए इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। और हम जीजस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा रहती है, और आप लोगों का भी, आप यहाँ पे आए हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं, थैंक यू। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सोनी। इस क्रिसमस डे पर आप सबको सार्वजनिक रूप से क्या विश देना, मतलब क्या वो संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, आपस में मिलके रहें, प्रेम से रहें, और आप सभी को क्रिसमस की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है मिसेस दास एंड फैमिली, तो हम इनसे जानेंगे और भी रोचक तथ्य क्रिसमस के बारे में। तो मैम मैं आज के दिन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म के लिए जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, पूरे दुनिया में मनाया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आए हैं, सारे लोगों के पापों से छुटकारा दिलवाने के लिए आए हुए हैं, और इसलिए इसका महत्व है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है दुनिया में जिसने, जो हमारे पापों के लिए मरा है और फिर से जीवित हो उठा है। आपने क्या खास प्लानिंग की, कैसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस मनाने वाले हैं? वैसे काफ़ी टाइम बाद मुझे छिंदवाड़ा आने मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी इतने सारे जिनसे महीनों से नहीं मिल पाए थे उनसे मिलकर, और क्रिसमस का भी मौका है, तो एक क्रिसमस एक तरह से एक बहाना हो गया सबसे मिलने का और सबको ग्रीट करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। सर आपने क्या खास प्लानिंग की अपने फ्रेंड्स के साथ, कैसे आप इंजॉय करने वाले हैं आज का बड़ा दिन? सबके साथ सबसे पहले तो क्रिसमस की सबों को बधाई हो, और सारे मित्रों के साथ मिलना है, अच्छा खाना है और एंजॉय करना है। तो जैसे आपने अच्छे खाने की बात कही, तो मैं बताना चाहूँगा ग्लोबल चैनल आपके लिए लाया है संजू का ढाबा ऑफर 25% डिस्काउंट। तो सर अगर सर एंड मैम अगर आप सही आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं कूपन वाउचर्स। तो मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जीजस क्राइस्ट थे उनके पेरेंट्स का नाम क्या था? उनके मदर मैरी, उनकी माता मरियम जिनको कहा जाता है, जिनका बहुत पूजनीय है जो वो, और उनके फादर का नाम यूसुफ जोसेफ था। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये सवाल का जवाब सही है? बिल्कुल सही जवाब दिए। तो दास फैमिली जीतती है संजू का ढाबा और बस 25% डिस्काउंट वाउचर। कांग्रेचुलेशंस मैम, ओके मैरी क्रिसमस। तो एक और फैमिली जो दास फैमिली है वो जीत चुकी है संजू का ढाबा और बस 25% डिस्काउंट कूपन वाउचर्स, तो इन्हें वहां जाने पर मिलेगा 25% का डिस्काउंट। तो हम आपको ले चलते हैं और भी लोगों के पास और जानते हैं वो कितने हर्षोल्लास से भरे हुए हैं आज बड़े दिन में। आप देख सकते हैं सभी जो क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस भाई बंधु हैं हमारे, वो खुशियां मना रहे हैं क्रिसमस पर्व के बारे में। तो हम जानते हैं यहाँ पे पब्लिक से उनकी क्या रिव्यूज है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनके क्रिसमस पर्व को लेकर। सर आपका नाम?
लगातार। तो कैसा फील हो रहा है आपका, साल भर में एक बार ही त्यौहार आता है तो क्या एक्साइटमेंट है आपको? अच्छा रहता है, मतलब अब वन टाइम रहता है ईयर में। तो सर क्या प्लानिंग है दिन भर, कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? जस्ट सबसे मिलके। हमारे ग्लोबल चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा शहर के नागरिकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सब मिलके रहें, अच्छे से रहें और जो न्यू ईयर अच्छे सेलिब्रेट करें ताकि आने वाला साल भी अच्छे से हैप्पीनेस के साथ रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम आपका नाम? प्रिया। मैम कैसा फील हो रहा है, साल भर का त्यौहार है जैसे कि आप लोगों का बड़ा दिन कहा जाता है, तो क्या एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा है। क्या प्लानिंग है दिन भर, कैसे सेलिब्रेट करने वाले? कहीं घूमने जाएंगे आज अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टी करेंगे। कैसा ये पूरा जो अनुभव है, साल भर में एक बार त्यौहार आता है, काफी दिनों से हम तैयारियां करते हैं, उसके बाद हमारा बड़ा दिन आता है, तो क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ग्लोबल चैनल के माध्यम से? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था तो सब लोग जो है उनके लिए बहुत स्पेशल डे है, तो सभी के लिए है ये त्यौहार। जैसा कि मैम ने बताया कि आज के दिन ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, तो ये इसीलिए बड़ा दिन भी कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और जानते हैं और भी पब्लिक के रिव्यूज। सर आपका नाम? गीत रॉय। कैसा फीलिंग है, साल भर में आता है एक दिन क्रिसमस, तो क्या फीलिंग है, क्या एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है, पहली बात तो साल भर इंतजार करते हुए दिन के लिए। बड़ा दिन आपको भी मुबारक हो, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या प्लानिंग है दिन भर, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? दिन भर बस वही के संग, अन्य जातियों के संग ज्यादा प्रेम रहे, जब वो ज्यादा अच्छा मसीह लोग तो मनाते ही रहते हैं, लेकिन अन्य जातियों को प्रेम से गले लगा के यीशु का उसको सेलिब्रेट करें, तो खेल है हमारा बड़े दिन का, तो मसीह लोग तो मनाते ही रहते हैं, अन्य जाति लोग कहाँ मनाते हैं, तो उनके लिए हम प्रयासरत रहें कि जितना प्रेम उनको हम दे सके मसीह का, वो सबसे अच्छा है। कितना हर्षोल्लास और एक्साइटमेंट है, साल भर में एक बार ये दिन आता है सर। बहुत है, हमें पूरा साल हम इसकी रास्ता देखते हैं कि हम क्रिसमस कैसे बनाएंगे, उसकी तैयारी करते हैं, 1 दिसंबर से हम लगे रहते हैं, फिर कैरल सिंगिंग वगैरह, और अब ये आज 25 तारीख है, आज यहाँ दिन भर भी चर्च में कार्यक्रम रहेंगे, और उसके बाद 2 बजे से फिर इनर ग्राउंड में भी खेल कूद का रहता है हम लोगों का, तो बच्चों के लिए है, हम लोगों के लिए भी बहुत इंजॉय, एक ही बार हमारा एक साल भर का एक ही त्यौहार रहता है, खुशी का त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है बहुत। आप लोगों को भी सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी शुभकामनाएं आपको भी। जैसे कि सर ने बताया दिन भर सारे प्रोग्राम्स कंटिन्यू चलने वाले हैं, इसके बाद इनर ग्राउंड में बच्चों के और बड़े बुजुर्गों के भी रंगारंग कार्यक्रम और स्पोर्ट्स मीट टाइप एक आयोजन किया गया है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं पब्लिक के और भी रिव्यू, तो आइए हमारे साथ आपको ले चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, बहुत से सर आपका नाम? सर क्या एक्साइटमेंट है, साल भर में एक दिन आता है 25 दिसंबर क्रिसमस, तो क्या प्लानिंग है, क्या एक्साइटमेंट? अभी चर्च के बाद फिर सेलिब्रेशन है, सारे फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। क्या खास प्लानिंग है आपने, क्या खास प्लान किया अपने फ्रेंड्स? खास प्लान नहीं है, वो तो प्लानिंग होती जाती है कि अब आगे ये करना है। हमारे ग्लोबल चैनल के माध्यम से आप छिंदवाड़ा शहर के नागरिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्रिसमस पर? मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे। जैसे कि सर ने बताया साल भर में एक दिन आता है, तो बहुत एक्साइटमेंट भरा और हर्षोल्लास भरा होता है पब्लिक के लिए भी, जो क्रिश्चियंस है उनके लिए भी, जो नॉन क्रिश्चियंस है उनके लिए भी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं और भी लोगों से क्या उनकी प्रतिक्रिया है। एक्सक्यूज मी सर, सर बहुत से नहीं ओके, तो कैसा फील हो रहा है साल भर में एक दिन आया है? एक्साइटेड तो बहुत सारी है, बट वो ये कि बहुत, मैं भोपाल में रहता हूँ एक्चुअली, तो मैं इधर एक साल में एक ही बार। आप क्रिसमस वैकेशंस पर आए, तो ये पहला साल है छिंदवाड़ा में, इससे पहले भी क्रिसमस यहीं पे मनाया? पहले भी मनाया। तो क्या प्लानिंग है, क्या खास प्लान किया आपने आज? फैमिली टाइम। ग्लोबल चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा शहर के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली बेसिकली मैं तो इतना कुछ जानता नहीं हूँ, बट अब ऑब्वियसली सबको अच्छा ही चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और भी पब्लिक रिव्यूज लेते हैं। हमारे साथ एक बार और जुड़ चुके हैं म्यूजिक इज वर्शिप क्वायर ग्रुप, तो हम उनसे जानेंगे वो कितने एक्साइटेड हैं और क्या खास उन्होंने आज दिन भर के लिए प्लानिंग की है। आज दिन भर यही चर्च पर आएंगे, सब अन्य जाति लोग आते हैं।
तो उन्हीं को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, सॉन्ग्स करेंगे। आप कब से यहाँ पर हैं चर्च? मैं बचपन से यहाँ पर। अभी सुबह कितने बजे आप लोग चर्च आए? हम लोग सुबह 4:30 पे आए। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। उसके बाद भी आप लोग क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं? यस, क्योंकि क्रिश्चियंस का मेन एक ही फेस्टिवल होता है क्रिसमस, जिसके लिए हम इतना वेट करते हैं पूरा ईयर। तो अब चाहे हमको रात को 3 बजे क्यों ना आना पड़े, तो बहुत मजा आती है। कितने एक्साइटेड है यहाँ पर, क्या हर्षोल्लास आपने देखा था? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जीसस का आज बर्थ हुआ था, मतलब इस पूरी अर्थ के किंग का आज बर्थ हुआ था, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। ये मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत। कैसे मनाने वाले हैं आप आज का दिन? हम सबको आज, हम लोग अभी चर्च के बाद हमारे गेम्स होंगे, वहाँ पे जाएंगे और सबके साथ स्वीट शेयर करेंगे और कुछ स्टफ्स बनाया बोलते हैं। तो क्या आप सभी ग्लोबल चैनल देखते हैं? ग्लोबल चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा के नागरिकों को विश करना चाहेंगे? वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच, मैरी क्रिसमस। ये थे हमारे पास म्यूजिक इज वर्शिप क्वायर ग्रुप, जिन्होंने बहुत ही सही तरीके से अपने दिन भर की प्लानिंग की हुई है और उसे एग्जीक्यूट भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। अनामिका बैंकर, क्या खास प्लान किया आपने आज के दिन के लिए? आज कुछ तो नहीं, लेकिन गेम्स चलते रहते हैं 2 बजे से। okay. तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले? हाँ, बिल्कुल। कितने एक्साइटेड है आप? बहुत ज्यादा। चर्च तो हो गया, लेकिन 2 बजे से गेम चलते हैं हमारे यहाँ। तो आप हमारे ग्लोबल चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस पर्व पर? मैम आपका नाम? मैं संगीता बैंकर, मैं छिंदवाड़ा के वासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और नए वर्ष 2020 की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो मैम ने बताया कि 2 बजे से अंडरग्राउंड में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें बच्चे बड़े सभी पार्टिसिपेट करेंगे इस स्पोर्ट्स में। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम और भी पब्लिक रिव्यूज जानते हैं, तो आइए। हेलो सर, आपका नाम? मैं सुदेश सिंह। क्रिसमस के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी? एक्चुअल में क्रिसमस जो पर्व है वो पापों से उद्धार पाने का, और जो हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई है, एक चीज़ ये कि मसीह प्रेम को हम दुनिया को दिखा सकें, उसके के लिए क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज के दिन जन्मा था, और तैयारी बस यही है कि लोगों में जो मसीह का प्रेम है, जो मसीह का की शिक्षा है, उसको हम लोगों में फैला सकें, यही तैयारी है। और एक सिर्फ इस जहां में यीशु मसीह और उद्धारकर्ता जन्म ना ले, बल्कि हमारे मन में और हमारे दिल और दिमाग पे यीशु मसीह जन्म ले, ये तैयारी की है। और अब बड़े उल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को आज मना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो मैम, आपका नाम? स्वर्णलता चोपड़ा। सबसे पहले तो आपको मैरी क्रिसमस। थैंक यू। ओके, इस क्रिसमस के लिए, इस क्रिसमस में आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस क्रिसमस में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये इतना अनोखा त्यौहार है कि इसको, यदि इसकी मीनिंग को अगर समझे सब लोग, तो सब एक नई जगह है जो हमारे ईश्वर ने तैयार किया है, जहाँ आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, वहाँ पर सब जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हम आपको ये क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते हैं, ये इसे आप एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। ये आपको संजू ढाबा की तरफ से 25% डिस्काउंट मिला है। तो मैम आप कितने एक्साइटेड हैं पूरे दिन को लेके? बैठ दो, मैं ये जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग साल भर में एक बार त्यौहार मनाते हैं, इसलिए ये समय में हमारा बहुत एक्साइटमेंट रहता है। तो सर मैं आपके, आपसे जानना चाहूँगा क्या खास प्लानिंग की है सारे दिन की? सारे दिन के लिए हमारे जितने रिलेशन हैं, करीबी रिलेशन हैं, वो सारे घर आएंगे और सबके साथ मिलके थोड़ा सा एंजॉयमेंट होगा दिन भर, और बस। तो साल में एक बार आपका बड़ा दिन आता है, तो आप क्या, कितने हर्षोल्लास से मनाने वाले हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, सारे पूरे साल भर हम लोग इसी फेस्टिवल की रास्ता देखते हैं और छुट्टी वगैरह बचा के रखते हैं, और सारे जहाँ पे भी रहते हैं सब अपने होम टाउन वापस आते हैं कि क्रिसमस में कम से कम एटलीस्ट फैमिली वालों के साथ रहें और सेलिब्रेट करें। मैम आप क्या आज यूनिक करने वाले हैं? यूनिक, अभी तो हम लोग जैसे 5:30 बजे उठ के आए हैं, अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, हमारे सारे रिलेटिव्स आते हैं, अब हम
लंच करेंगे, फिर उसके बाद डिनर सब लोग इकट्ठा सुबह से लेकर शाम तक सब इकट्ठा स्पेंड करते हैं। मैम मेरा सवाल ये है मोजेस फैमिली से कि जो स्टार हमारे घर में डेकोरेशन के दौरान लगाया जाता है उसका कंसेप्ट क्या है एक्चुअल? वो तारा एक चिन्ह के रूप में, परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में दिखाया था कि पूरे जगत के लोगों ने उस स्टार को देखा था, और ज्योतिषी लोग जो थे उन्होंने अपने पुराण में देख कर कि ये तारा एक नए राजा के जन्म की सूचना दे रहा है, और उसके पीछे पीछे चलते हुए वो लोग उस जगह तक आए थे जहाँ पर राजा के, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो उसका एक वो सिंबल है और एक चिन्ह के रूप में हमको परमेश्वर ने दिया कि इस तारे के साथ आप यीशु मसीह तक पहुँचेंगे। बहुत ही सही जवाब दिया आपने, बहुत शानदार। तो मैम आप जीतते हैं संजू का ढाबा ऑफर्स 25% डिस्काउंट कूपन वाउचर। आपसे आज आपके लिए बड़ा दिन है, तो क्या खास करने वाले हैं आज के दिन में? आज हम लोग इसके बाद फंक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं खत्म हो गया, अब चर्च के बाद हम लोग अपने फैमिली के साथ हम लोग थोड़ा आउटिंग पे जाएंगे, लंच पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग शाम को और अच्छे से क्रिसमस हमारे यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, गेस्ट लोग जो आएंगे उनके साथ। तो मैम साल भर में एक बार ये दिन आता है 25 दिसंबर को, तो क्या खास प्लानिंग की आपने आज के दिन के लिए? कैसे मनाने वाले हैं आज का दिन? वही है कि अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना और एंजॉय, पार्टी कर लेंगे, बाकी तो चलता ही है ना, फिर मिलना जुलना था एक दूसरे से पूरा दिन भर, तो उनके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि हमारा है कूपन जीतने का। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं आपसे पहले तो सेंटा क्लॉज के बारे में जानना चाहूँगा। सेंटा क्लॉज जो है ये हम लोग कैसे कहना सकते हैं कि एक फिक्शनल कैरेक्टर बोल सकते हैं, जो कि है जो बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए उनको है, अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे हम ये कहते हैं कि सेंटा गिफ्ट, सेंटा क्लॉज जो होते हैं वो गिफ्ट्स लेके आते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। भले इट्स अ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर बट इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि वो उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उनको हम ऐसा बताते हैं कि उससे प्रेजेंट्स मिलता है कि सेंटा क्लॉज हमारे प्रेजेंट्स लेके आते हैं, आप कुछ विश मांगते हो तो सेंटा क्लॉज आपकी विश पूरी करते हैं, जो कि कुछ हद तक पेरेंट्स ही कर देते हैं, कुछ कुछ जैसे बच्चे लोग कुछ चीज़ डिमांड करते हैं तो बच्चे लोगों को पेरेंट्स ही उनको गिफ्ट देके एज अ सेंटा क्लॉज वो कर देते हैं। बट अच्छा है वो कैरेक्टर, एक मतलब मिथिकल कैरेक्टर, बट वो अच्छी। तो मैम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के लिए सेंटा क्लॉज कौन है? लोगों के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर दे, जो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कुछ करने के लिए, जैसे बहुत सारी जगह पे हम बोल सकते हैं सोशल वर्कर्स होते हैं कुछ, जो कि अभी अपने हमारे जैसे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं उसके लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं बहुत उठ के आ रहे हैं, आगे से बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, वो हमारे लिए एज ए सेंटा क्लॉज हो सकते हैं, हम भी किसी के लिए सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। आपके लिए सेंटा क्लॉज कौन है? मेरे लिए तो आई वुड से मेरी मम्मा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे भी चाहिए होती है जो मैं उनको बताती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा बहुत, माय पेरेंट्स आर सेंटा क्लॉज फॉर मी राइट नाउ। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ मैम आपके जवाब से, जैसे कि मैम ने कहा जो भी हमें खुशी देता है, हमारे साथ खुशी बांटता है, वो हमारे लिए सेंटा क्लॉज है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आप जीतते हैं संजू का ढाबा ऑफर्स 25% डिस्काउंट वाउचर।
कुछ सेंटा क्लॉस के बारे में बताइए ना हमें। सेंटा क्लॉस, हाँ ये कल्चर है, ऐसा मानते हैं कि सेंटा क्लॉस आते हैं क्रिसमस में और वो बच्चों के लिए काफ़ी जो विशेष हैं कोई मांगते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों का काफ़ी अट्रैक्शन है सेंटा को लेकर के, तो वो कि आते हैं और उनके लिए क्रिसमस के गिफ्ट्स काफ़ी उनके लिए ले। आपने कोई विश मांगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यंगस्टर, तो हम जानते हैं से एक सीक्रेट गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है सांता सीक्रेट। तो हमसे जानते हैं गेम कैसे खेले जाता है, क्या होने वाला है, कैसे खेले जाता है। हम लोगों ने ये गेम खेलना दिसंबर के स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, उसको मैंने लीड किया, उसमें सबके नेम्स मेरे पास थे एंड जिसको गिफ्ट देना होता है उसका नाम पता होता है पर अपने को कौन दे रहा है वो नहीं पता होता है, तो जो अपने को गिफ्ट दे रहा होता है वो सीक्रेट सेंटा होता है हमारा। कितने एक्साइटेड रहते हैं आप लोग इसमें गिफ्ट लेने के लिए? बहुत ज्यादा। तो कैसे खेला जाता है ये गेम, आपको पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है। सर आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? ये गेम जो रहता है वो हम लोग सारे मिलकर के खेलते हैं और इसमें क्या होता है कि सब मतलब जितने भी ग्रुप रहते हैं, जितने भी मतलब एक ग्रुप जैसे 20 लोग हैं तो उनमें सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट पता नहीं रहता किसी को कि हम किसको दे रहे हैं गिफ्ट, तो ऐसा मतलब इसका नाम सीक्रेट सेंटर है इसलिए। क्या हमें बाद में पता चलता है कि हमें गिफ्ट किसके द्वारा मिला है? हाँ पता चलता है ना, गैस करना पड़ता है पहले, फिर लास्ट में पूरी लिस्ट के हिसाब से नाम पता चलता है। क्या क्या गिफ्ट मिले हैं अभी तक आप? बहुत सारे हैं, परफ्यूम, लिपस्टिक, पिलो, पर्स। ये बढ़िया हुआ है। तो आपको पता चला है गिफ्ट किसने दिया? हाँ ये इसने दिया है, खुशी ने, बेस्टी है मेरी। तो आपने कुछ प्लान किया अपने फ्रेंड्स के लिए, आपने क्या क्या गिफ्ट प्रिपेयर किए? मैंने डॉल दिया है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि हमने किसी के लिए गिफ्ट लिया है वो उसको ना मिलके किसी और को मिल जाता है। मैं वही सोच रही हूँ कि वो अभी तक नहीं मिली है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ये गेम एक बार हमें खेल के दिखाइए। हो क्या है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब आप लोग गेम ऑलरेडी खेल चुके हैं, सभी को गिफ्ट मिल चुके हैं कुछ ना कुछ। ओके सर, आपको क्या गिफ्ट मिला? अभी चेक नहीं किया मैंने, ये रखा हुआ है। ना चाहेंगे तो ये हमारे सामने गिफ्ट खोल रहे हैं इनका, हम देखते हैं कि इस पूरे पैकेट के अंदर क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रैप्ड है। अच्छा, ये आपने दिया इनको? ओके, ओ वाव, नाइस, थैंक यू। कीरिंग है, कीरिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थानोस का कीरिंग निकला है इनके गिफ्ट में, रैपर में, तो ये इनके फ्रेंड ने दिया इनको। आपका नाम? योर नेम? अनुग्रह। ये आपने दिया? जी मैंने दिया। तो आप कैसा फील कर रहे हैं ये गिफ्ट लेकर? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे उन्हें क्या क्या गिफ्ट मिला है। सर आप बताइए। मुझे ये मिला है, आप दिखाना चाहिए क्या मिला है। डियो आर्डर खोला है, डियो है। आप किसने दिया वो नहीं मालूम, बस अभी तक गैस ही कर रहा हूँ मैं। गैस करिए, आप किसने दिया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो बचेगा वही खुशी। कोई बताना चाहेगा किसने दिया इनको ये गिफ्ट? ओके ओके, तो जिसने गिफ्ट दिया है वो हमें मिल चुके हैं, ये हैं जिन्होंने गिफ्ट दिया था। आपका नाम? अर्पित, अर्पित। तो आपने इन्हें डियो गिफ्ट दिया? हाँ। क्या सोच के आपने डियो गिफ्ट किया? मतलब ठंड में जरूरत है डियो की? हाँ जरूरत है। सर आप बताइए आपकी क्या रहा है, आपको जरूरत है डियो की? ये तो हर किसी की जरूरत है। सर आप बताइए क्या गिफ्ट मिला आपको? मैं गेम में नहीं था, दर्शक है। आपको कुछ गिफ्ट मिला है? मैम आप अपना गिफ्ट खोलना चाहेंगे? इन्हें एक पर्स मिला है किसी के द्वारा, कोई बताना चाहेगा किसने दिया ये? शेरिल से। बहुत अच्छा है, बहुत काम भी आएगा मोबाइल देखने के लिए। हाँ छोटी, थैंक यू। आपको क्या गिफ्ट मिला मैं जानना चाहूँगा?
शानदार गिफ्ट मिला है, देख सकते हैं हम इनको सन ग्लासेस दिए गए हैं। किसने दिया है कोई बताएगा, कौन है इनका सेंटा क्लॉज? ओ सो नाइस, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ओ तो जैसा हम देख पा रहे हैं एक शूज बॉक्स है रैपर के अंदर, देखते हैं क्या निकलता है उस बॉक्स के अंदर। ये फ्लाइट का शू बॉक्स है, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, या फिर शूज होंगे या फिर चप्पल। पूरा खोलिए सर। जूते के डब्बे में एक टी शर्ट और स्वेट शर्ट है, नाइस। अब तक का बेस्ट गिफ्ट जो मुझे लगा ये है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। निक्की नहीं, उसने मेरे से साइज पूछा था तो मैं समझ गया कि यही होगी। ये कैसे तय हुआ कि उसका तय किया गिफ्ट आपको ही मिला? वो हम जो गेम खेले थे तो उसमें ऐसा हुआ था कि निक्की ने लीड किया जैसे उन्होंने बताया, और हुआ ये था कि उन्होंने सबसे पहले हमारा नाम लिखी और फिर नाम के आगे नंबर्स लिखे उन्होंने, और फिर नंबर्स हमने चूज किए। तो जो नंबर हमने चूज किए और जो नाम लिखा था, मतलब चूज मैंने किया, नाम लिखने वाली वो थी, जो नाम लिखा था वो नाम वाला गिफ्ट देता, ऐसा था। यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग हुई है। चीटिंग नहीं हुई है, मैंने जो नंबर चूज किया था उसके आगे उसका नाम लिखा। आप अपने गिफ्ट दिखाना चाहेंगे? ओ सो नाइस, क्या है? पिलो है। ओके, तो आप इस पिलो को यूज करने वाले हैं। मैरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू। सबको क्या विश देना चाहेंगे आप? पूरा वर्ष सबका अच्छा जाए, खुशी से रहो, प्रेम से, मेल मिलाप से, बस। हेलो, आप विकांश लाजरस। क्या खास तैयारियां की थी आपने इस दिन के लिए? मैंने पूरा घर डेकोरेट किया, प्लस सबको यानी साथ में लेके चला, यही सब। थैंक यू सो मच हमारे साथ। केक का बिजनेस किया या बनाया आप क्या? या मेरी खुद की बिजनेस है, विक्टर रीता बेकरी जौलपुर में, उसका बैनर लगा हुआ है। हाँ, संजू ढाबा की तरफ से आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं क्रिसमस का। आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं संजू का ढाबा में। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या खास तैयारियाँ की है आपने आज के दिन को लेकर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं 25 दिसंबर को साल में एक बार बड़ा दिन आता है, तो क्या स्पेशल है आज के दिन के लिए? आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है पूरे विश्व में मनाया जाता है, एक ही त्यौहार ऐसा है जो कि पूरे विश्व के लोग मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया, उसने हमें प्रेम का संदेश दिया, और उसी प्रेम के संदेश को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया में हर एक लोग एक दूसरे से प्रेम करके प्रेम के साथ रहें। तो आप आज कैसे क्या यूनिक और स्पेशल करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्रिसमस? बढ़िया लंच होगा, बढ़िया केक, जो आएंगे गेस्ट उनको हम
जो भी हमने बनाया केक ये सब बांटेंगे देंगे, और फिर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जिनको जो मतलब थोड़े से नीचे गरीब हैं उन तक भी हम इन चीज़ों को पहुँचाएंगे। रिचुअल हम लोग देखा जाता है बहुत प्रचलन है क्रिसमस के दिन गिफ्ट एक्सचेंज करने का, इस बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए एक उपहार है, और वो उपहार इस प्रकार है कि उनने जैसा क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें उपहार के रूप में दिया था कि हम वैसे ही हम चाहते हैं कि जैसा उनने, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे और उनने अपने बेटे को हमें उपहार के रूप में दिया, हम चाहते हैं उसी उपहार को और उसी प्रेम को हम दूसरे में गिफ्ट के द्वारा एक दूसरे को दे के बांटते हैं। मैम मेरा एक और सवाल आपसे, क्या आप ग्लोबल चैनल देखते हैं? बिल्कुल। मैम हमारे, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे चैनल हेड है अशोक चौकसे जी, उनके द्वारा एक छोटी सी पहल की गई है कि अब हम आपको 24 घंटे चैनल के माध्यम से शहर में घटने वाली हर छोटी से लेकर बड़ी घटनाएं हमारे चैनल के माध्यम छिंदवाड़ा के नागरिकों को दिखा रहे हैं, तो इस पहल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत अच्छी पहल है, हम 24 घंटे अपडेट रहेंगे, छिंदवाड़ा की सब न्यूज हमें मिलती रहेगी, इसके लिए हम अशोक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा तिमोथी है। थैंक यू सो मच। तो ये तो थी डॉक्टर नीलिमा तिमोथी, इन्होंने बताया कि पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं वे कितने हर्षोल्लास से भरे हुए हैं क्रिसमस पर्व को लेकर। मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। कैसा लग रहा है आपको आज? जी अच्छा लग रहा है। क्या खास तैयारियाँ की थी आपने? बहुत तैयारी करी थी त्यौहार। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो। आपका नाम? विनीता वेंकर। एक्चुअली मैं आपसे सेंटा क्लॉज के बारे में जानना चाहती हूँ, कहते हैं कि वो स्वर्ग से आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो कुछ बताइए ना। हाँ वो बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं और बहुत बच्चे उनके द्वारा बहुत खुश होते हैं, वो बहुत बच्चों से प्यार करते हैं और इस क्रिसमस में वो यहाँ आके बच्चों को गिफ्ट देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो सर। चंद्रकांत बैंकर। क्या खास तैयारियाँ की थी आपने क्रिसमस के लिए? हाँ चल रही थी महीने भर से, पूरा घर पुतवाए और उसको सजाए और कपड़े वगैरह पकवान सब बने, और क्रिसमस का त्यौहार 25 मतलब हर साल 25 तारीख को ही आता है, 25 दिसंबर को, और साल में एक बार आता है इसलिए बहुत अच्छे से मनाते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड मैरी क्रिसमस। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुवर्णा बैंकर। ओके, क्रिसमस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस बड़े त्यौहार को लेकर? क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो सब रिश्तेदार सब मेल मिलाप हो जाता है, एक यही बहाना होता है कि हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्रिसमस है, कुछ दुआ मांग सकते हैं जी। ओके हम एक्चुअली आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं क्रिसमस की तरफ से। यस, दिस इज अ गिफ्ट वाउचर ऑफ बिहाफ ऑफ संजू ढाबा, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जाएंगे तो, सो एंजॉय। मैरी क्रिसमस मैम। विश यू द मैरी क्रिसमस। इस क्रिसमस पर आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और इसमें उसका नाम इमैनुअल है जो परमेश्वर हमारे साथ है इसका मतलब, और ये भाईचारा प्रेम और अमन का प्रतीक है। इस क्रिसमस में मैं पूरे देशवासियों को और खासतौर से अपने ELC लूथरन चर्च को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ते हैं कुछ और लोगों से। हेलो, आपका नाम? हिरेश। मैरी क्रिसमस टू यू। सेम टू यू। क्या खास तैयारी की थी आपने क्रिसमस के लिए? ऐसे कुछ खास तो नहीं, क्योंकि हम लोग मेन रूप से नागपुर में रहते हैं, बट सारी शॉपिंग वगैरह भी वहीं से हुई और यहाँ पे पूरी फैमिली वगैरह है तो यहाँ पे ही अच्छा लगता है सबके साथ। फिर आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अमन सिंह। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जहाँ तक कि मुझे पता है क्रिसमस के एक दिन पहले जो बच्चे हैं वो सॉक्स में कुछ डालते हैं, सॉक्स को टांग के रखते हैं आई थिंक, है ना, तो उसमें कुछ क्या चॉकलेट्स वगैरह आती हैं, इसके बारे में बताइए मुझे। ये ट्रेडिशन अभी तो यहाँ पे उतना नहीं है पर आने लगा है, तो वो ट्रेडिशन बहुत पुराना है जिसमें सॉक्स में कैंडीज वगैरह रखी जाती हैं ताकि एज अ डेकोरेशन भी, और अगर कोई यूज़ करना चाहता है उसके साथ। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस क्रिसमस में सभी लोगों को? मेरी क्रिसमस टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे क्रिसमस का त्यौहार है तो हम प्यार आपस में बांटते चले और पूरे जगत में भी फैलाए प्यार, जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया था।
हम आप तीनों को एक्चुअली ये क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जाएं और ये गिफ्ट वाउचर है संजू के ढाबा की तरफ से, आप जब भी जाएंगे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड एंजॉय। हेलो बच्चा, आपका नाम? माय नेम इज ग्लोरी कैरकेटा। कैसा लग रहा आपको? मेरे को क्रिसमस बहुत पसंद है, क्रिसमस मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। अभी तक चॉकलेट्स मिली कि नहीं आपको सेंटा क्लॉज से? बहुत बार मिल चुकी। और आप अपने फ्रेंड्सों के साथ आज एंजॉय करेंगे? हाँ। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, आपका नाम? रीना फ्रांसिस। ओके, इस क्रिसमस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये क्रिसमस सबको ये संदेश देता है भाईचारे और प्यार के लिए, और यीशु मसीह ने आके जन्म लेके हम लोगों का उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग सब भाई बहन हैं, और हमारे देश में आज जो अराजकता का माहौल है उसके लिए ये क्रिसमस का त्यौहार एक बहुत अच्छा संदेश देता है। हम लोग सबको एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के भी लोग हों। मेरी तरफ से यही संदेश सबके लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम रूही है। ओके, मुझे ना सेंटा क्लॉज के बारे में बताइए कुछ प्लीज़। सेंटा क्लॉज तो ये हम ह्यूमंस ने बनाया हुआ है, बाकी तो इस पर्व का जो मेन है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि प्रेम का संदेश है, और वो प्रत्येक मानव के लिए इस भारतवर्ष के लिए प्रेम का संदेश लेकर आए हैं। सेंटा क्लॉज हम अपनी खुशी के लिए, बच्चों के लिए और खुशी के लिए सेंटा क्लॉज को बनाते हैं, जो बहुत सारे गिफ्ट्स बांटते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द गुड टाइडिंग्स। सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ कहना चाहता? एक्चुअली सेंटा वॉज एक सेंट है वो, तो वो जब उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ सबको बांट दिया और उनके पास कुछ भी नहीं रखा, तो वो जो गिफ्ट देने की उनकी आदत थी ना, वहाँ से सेंटा के बारे में आया कि सेंटा कहाँ से आया, तो वहाँ से आया कि वो सबको गिफ्ट देते थे। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सबको देना कि हाउ टू गिव, दैट इज़ द मेन मैसेज फॉर सेंटा। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम? सुजैन। आप बहुत क्यूट दिख रहे हो। आप बहुत क्यूट हो। आप सबसे सुंदर हो। अच्छा ये बताओ, सेंटा क्लॉज ने आपको गिफ्ट दिया कि नहीं? दिया। ओके, और आप आज कैसे सेलिब्रेट करेंगी क्रिसमस? अच्छा, आप अपने फ्रेंड्स और मम्मा पापा के साथ जाएंगे? हाँ। और बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे? हाँ। थैंक यू सो मच, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। मेरी क्रिसमस। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीति सिंह है, मैं चर्च कंपाउंड में रहती हूँ। इस क्रिसमस में आपने क्या खास तैयारियाँ की? इस क्रिसमस में हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में आने का स्वागत के लिए तैयारी की है, ताकि उसका जन्मदिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और सारे संसार के लिए आशीष से भरा हो। थैंक यू सो मच। हेलो सर, आपका नाम? आर बी सिंह। सर मैं आपसे जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए जन्म लिया, जब हम पाप में थे अर्थात हमारा नैतिक पतन हो चुका था, तब परमेश्वर मनुष्यों के उद्धार के लिए मानव स्वरूप धारण करके और जन्म लिया, ताकि हमारे बीच में रह करके उन कुरूतियों को दूर करे जिनसे मनुष्य का नैतिक जीवन नष्ट होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के यूथ को? ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए पथ पर चलें, और वो पथ केवल एक है कि उसने कहा अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीने पाएगा। भला की यदि हम व्याख्या करें तो बहुत व्यापक है। भला का मतलब है चंगा होना, भला का मतलब है कि हम धनाढ्य हों, भला का मतलब है कि हम बुद्धिजीवी हों, भला एक व्यापक अर्थ है, और वो परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा किया केवल एक, माता पिता का आदर करने की, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो प्रभु है, वो ये हमारा ईश्वर है। थैंक यू सो मच सर एंड मैरी क्रिसमस टू यू। क्या हो गया? क्रिसमस अपना सब बोल दें। ओके, माइक लगा। हाँ, इनसे पूछो। ओके। हेलो बेबी, आपका नाम? चेल्सी।
बहुत क्यूट दिख रहे हो आज आप. थैंक यू. ओके, आज का क्या प्रोग्राम है आपका? हम लोग का आज का ये प्रोग्राम था कि आज केक काटना है, बहुत चीजें एंजॉय. ओके, बहुत सारा केक भी खाओगे आप? हाँ. और फ्रेंड्स के साथ घूमोगे? यस. सबको क्या बोलना चाहोगे? हैप्पी मैरी क्रिसमस. थैंक यू सो मच. ये लोग आपको स्पेशल विशेस देना चाहती हैं. मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच मैम. हेलो मैम, आपका नाम? मधुलिका. मैरी क्रिसमस टू यू. आपको भी. क्या खास तैयारियां की थी आपने क्रिसमस के लिए? बस जो करना चाहिए वही, ईश्वर को पहले फिर बाद में. अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने तरफ से लोगों को? कुछ नहीं, बस सबको मुबारकबाद देंगे. थैंक यू सो मच मैम. का नाम साक्षी बिंजाई. आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? मैं प्रभु यीशु के साथ थी अपना. हाँ. ओके, थैंक यू सो मच. आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? बहुत खुशी से, आनंद से मनाएंगे हम आज सेलिब्रेशन क्रिसमस डे. हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम विजयन लाजरस है. मैं मसीह धर्म को बिलोंग करता हूँ और आज क्रिसमस का पर्व है. आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने बैतलहम के गौशाले में जन्म लिया था और उनका जन्म का उद्देश्य ये था कि उन्होंने एक ऐसी स्थिति में जन्म लिया कि जिसके द्वारा आज उनके जन्म के द्वारा हर मानव जाति और हर समाज के लोगों को एक शिक्षा का कारण बना, ताकि लोग अपने जीवन में जब एक गरीबी से उठ कर ऊपर आए तो हर एक के लिए अच्छे कार्य करें. उनका उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, उनका उद्देश्य किसी मानव जाति या किसी पंथ के लिए नहीं था, वह समस्त मानव जाति के लिए था, ताकि इस जगत के हर व्यक्ति मसीह यीशु के सिद्धांतों को जाने. वो कोई धर्म से नहीं प्रेरित नहीं था, पर वो एक एक के जीवन में इस प्रकार से उन्हें प्रकट किया कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे समाज जिस भी वर्ग का व्यक्ति है, सबको प्रेम से जोड़ा, ताकि मन में जो व्यक्ति बुराई रखता है या जो उसमें क्रोध की आत्मा आती है, ये सारी आत्माओं का समाधान मसीह धर्म में है कि हमको किस प्रकार से प्रेम के भाव में जीना है. हम देशवासियों के लिए भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे बीच में जाति मतभेद धर्म के किसी भी प्रकार का वो ना रहे, पर हम एक भाई से एक बहन के भाईचारे से जिए और हर एक का के प्रति अपने कर्तव्यों की मानव दृष्टिकोण में करें. हर एक बहनें जो है, हमारी सब बहनें हैं, सब भाई हैं, हम लोग किसी प्रकार से अपने आप को एक बुरे रूप में ना जिए ना बुरी मनसा में, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है. परमेश्वर शुद्ध है और हम शुद्ध मन से अपने जीवन को व्यतीत करें और क्रिसमस का उत्तम आनंद को प्राप्त करें. आज का संदेश में समस्त छिंदवाड़ा वासियों के लिए यही देना चाहता हूँ. हेलो मैम, आपका नाम? हेलो, मैं मिसेस कंचन बांते. जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके गोद में एक प्यारा सा नन्ना सा बच्चा है, इससे मुझे ये याद आ रहा है कि यीशु मसीह का आज के दिन जन्म हुआ था, वो भी एक गौशाला में ऐसे ही अपनी माँ के गोद में थे. इस बारे में हमें बताइए. जी हाँ, हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक सारी दुनिया में सारे जगत का उद्धारकर्ता और उद्धारकर्ता सेवियर मीन्स कि डिलीवरेंस फ्रॉम द पॉवर्टी, डिलीवरेंस फ्रॉम द सिकनेस, डिलीवरेंस फ्रॉम द एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य इस दुनिया में आने का सिर्फ इसलिए था कि ना वो क्योंकि वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसका यही उद्देश्य था कि वो मनुष्य जाति को वो हर एक प्रकार के दुखों से छुटकारा दे, और छुटकारा ना सिर्फ छुटकारा दे परंतु हम अनंत काल के लिए अपने साथ में हमेशा हमेशा के रहने के लिए हमें अपने आप को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में जन्म लिया. और हम बहुत ही हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो कि हम जीवित प्रभु यीशु मसीह की पहचान में और जीवित प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. आज के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, घर में पार्टी है. हमारे चैनल की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे. और आप आज के लिए सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज हैप्पी क्रिसमस सबको, एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच मैम. आपका नाम? अर्चना मैथ्यूस.
आज कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप क्रिसमस? हम लोग अभी स्पोर्ट्स होगा यहाँ ग्राउंड पे, तो वहाँ सेलिब्रेट होगा, तो स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, वहाँ गिफ्ट वगैरह मिलेंगे बच्चों को, हम लोग भी भाग लेते हैं बड़े लोग, तो वो इंजॉय करना होता है। फिर शाम को फिर सब जगह पार्टी रहती है, तो सब एक दूसरे के यहाँ मिलने जुलने जाते हैं। मतलब आज पूरे दिन इंजॉयमेंट होने वाला? अभी एक तारीख तक इंजॉय चलेगा हम लोगों का, हर दिन अलग अलग। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अर्पना मैथ्यूज। क्या करेंगे आज आप क्रिसमस के दिन कुछ खास? आज स्पेशल ये है कि सारे फ्रेंड्स लोग आएंगे घर, सब लोग पार्टी शार्टी करेंगे, चर्च आएंगे, जो नॉन क्रिश्चियंस है वो भी आएंगे चर्च में, तो उनको सब बताएंगे। जैसा कि मुझे पता है आप लोग इस दिन के लिए स्पेशली केक्स बनाते हैं, तो वो बनाए आपने? हाँ बिल्कुल। कितने केक्स बनाए? सारे केक्स बने। आप बिल्कुल आप हाँ, तो आप लोग आइए बिल्कुल केक खाने का। जरूर। मैरी क्रिसमस टू यू। हेलो सर, आपका नाम? माय नेम इज मिल्टन। ओके, इस क्रिसमस पे सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को आज के? मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा पब्लिक को, और हिंदी मेरी उतनी वो अच्छी नहीं है जी। तो आप सबको क्रिसमस विश देना चाहेंगे, वो दे दीजिए सर। सबको, जितने भी दुनिया के लोग हैं सबको क्रिसमस विश मुबारक बोलता हूँ, क्योंकि पूरा दुनिया बनाती है इसको, अब मनाना चाहिए, इसी के बारे में जानना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, एंड मैरी क्रिसमस टू यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम कैथरीन मिल्टन। ओके, आज के लिए कुछ खास तैयारी की आपने? नहीं खास तो तैयारी नहीं की है, लेकिन स्पिरिचुअल तैयारी करें, है ना, और बस मेरी यही शुभकामना है कि ये समय बहुत ख़राब जा रहा है बेटा, इसलिए हमको बचने के लिए बहुत ज़रूरी कि हम यीशु मसीह पापियों के लिए आया, तो हमको उद्धार पाने के लिए और अनंत सुख के लिए हमको जाना है स्वर्ग न, इसलिए मैं जवानों को विशेष तौर से ये बोलना चाहती हूँ कि पाप से बचे, है ना। मैम आप रोज चर्च आते हैं? हाँ चर्च रोज आते हैं, रोज बाइबिल पढ़ते हैं, दिन में 3-4 बार बाइबिल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच एंड मैरी क्रिसमस टू यू। हेलो मैम आपका नाम? जसिंता असर। क्या आप छिंदवाड़ा से हैं? जी हाँ मैं छिंदवाड़ा से हैं। अभी यहाँ पे सेट हो गई है। आज के दिन के लिए क्या खास तैयारियाँ की आपने? आज का दिन तो हम लोगों के लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है, इट इज अ वेरी जॉयफुल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज आप? हम तो बहुत सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, और आप देख रहे हैं सबको यहाँ। थैंक यू सो मच मैम एंड मैरी क्रिसमस टू यू। कुछ और लोगों से, आपका नाम? नीलिमा तिमोथी। ओके, आज के दिन क्या खास करेंगे आप? हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो संदेश है वो हम लोगों को देंगे। हेलो मैम। हाय, आपका नाम? निलिशा। कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन आप? फ्रेंड्सों के साथ जाएंगे? दोस्तों के साथ, दोस्तों को घर बुला के उनको केक वगैरह खिला के। थैंक यू सो मच। हेलो, आपका नाम? रश्मि नेल्सन। ओके, आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के लिए? आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो हमें यही सिखाने के आए हैं कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एकता से रहें, और किसी प्रकार का हम पाप ना करें, झूठ ना बोले, सबके लिए उद्धार का संदेश दे के आए हमारे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू सो मच मैम। यू टू मैम। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज तिमोथी है। आज के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? हम लोगों को अपने क्रिसमस के इस खुशी और आनंद के पर्व में शामिल करते हैं, हम सभी शहरवासियों को हृदय से क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, और साथ साथ नया वर्ष भी उनके लिए मंगलमय हो। क्रिसमस पर्व आनंद, मेल, प्रेम और भाईचारे का पर्व है। इस दिन शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह जगत्राता गौशाले की चरणी में जन्म लिया था। इस पर्व को हम उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। जगत के पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसका नाम इमानुएल था और उसका अर्थ होता है शांति का राजकुमार, उसको इस धरती पर एक सादगी में गायों की गौशाला में वो जन्म लेके इस दुनिया में अवतार लिया था। इसी आनंद के अवसर को हम यहाँ मना रहे हैं। जैसा कि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश था कि गरीबों की मदद करो, सब में प्यार बांटो, तो आज समाज सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे आज के दिन स्पेशली?
हम लोग ने निर्धन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की है यहाँ, जिसको हम भंडारे के रूप में बोल सकते हैं। हमारे यूथ्स ने यहाँ एक अरेंजमेंट किया है सामने कि जितने भी हमारे चर्च में प्रेयर करने या क्रिसमस पर्व के उस आनंद में शामिल हो रहे हैं वो उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था है। और अभी जो सामने आप देख रहे हैं इसमें अमीर और गरीब दोनों प्रकार के यूथ्स हैं, इसमें वो एक दूसरे को क्रिसमस के उपहारों को दे रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको मानव समाज की सेवा करना सिखाया, उसने बीमारों के बीच में सेवकाई की, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आँखें दी और बेजुबान को जुबान दी। और जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा और माफ़ करना चाहिए, वो हम आज क्रिसमस पर्व पे पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, मैरी क्रिसमस टू यू। तो ये तो थी ग्लोबल चैनल की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आज आपको दिखाया छिंदवाड़ा में ईएलसी स्थित चर्च कंपाउंड में कितनी धूमधाम से क्रिसमस पर्व मनाया गया। इसी के साथ पूरे देश में भी क्रिसमस पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस पर्व एक भाईचारे का प्रतीक है। इसी के साथ मैं संस्कृति से जानना चाहूंगा, संस्कृति आज क्या क्या हमें देखने को मिला और क्या खुशनुमा माहौल था चर्च का। जैसा कि तुमने कहा कि यहाँ पर आज भाईचारे का माहौल था, जी हाँ, इस पर्व का यही एक उद्देश्य है कि आपसी भाईचारा बना रहे, साथ ही साथ गरीबों में प्रेम बांटें और सारी खुशियाँ बांटना और ऐसे आपसी सद्भाव बना रहे, ये इस पर्व का खास उद्देश्य। और आज हमने लोगों से भी जाना इस पर्व की बहुत सारी खास बातें। इसी के साथ ग्लोबल टीम की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैमरा पर्सन निक्की सोनी के साथ मैं संस्कृति जैन और कैमरा पर्सन बिंदेश कर्पे के साथ जयचंद्रन जी की खास रिपोर्ट। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।